गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार गुरुकुल स्कूल से। आज मैं फिर आप लोगों को क्लास फोर का मैथ वीडियो नंबर टू लेकर के आया हूं। आज में हम लोग इस मैथ में ये सीखेंगे कि मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, किसी भी संख्या से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग यूज ईच ऑफ द गिवेन डिजिट ओनली वंस टू फ्रॉम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। यानी कि जो संख्या दिया है उसी संख्या से हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे। और ये ध्यान देंगे कि एक संख्या को एक बार ही प्रयोग करना है। जैसे मेरा क्वेश्चन नंबर ए है, 5326, 5326 से फोर डिजिट हो रहा है, यानी कि फोर डिजिट का ही स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा और फोर डिजिट का ही लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा। सबसे पहले मैं इसको देखता हूं, ए नंबर 5326 से लार्जेस्ट नंबर मैं बना रहा हूं। लार्जेस्ट क्या बनेगा, सबसे पहले देखेंगे कि ये पूरा संख्या में सबसे लार्जेस्ट नंबर है क्या। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर 6 है, तो पहले 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 5 है, 5 लिख देंगे। उसके बाद 3 है, तो 3 लिख देंगे। और लास्ट में 2 है, जो 2 लिख देंगे। इस तरह से मेरा 5326 से लार्जेस्ट नंबर 56532 यानी कि 6532 बनेगा। अब देखते हैं इससे स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनता है। सेम क्वेश्चंस, 5326 से स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए उस संख्या को पहले स्मॉलेस्ट जो संख्या होगा उसको लिखेंगे। तो देखते हैं 5326 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, तो पहले 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, जो दिया है उससे बड़ा संख्या 3 है, तो 3 लिख देंगे। फिर उससे बड़ा संख्या क्या है, तो 5 है, 5 लिख देंगे। और जो सबसे लास्ट में सबसे बड़ा है इस संख्या में, इस ग्रुप में, वो है 6, तो 6 लिख देंगे। इस तरह से मेरा आंसर होगा 2356 यानी कि 5326 से स्मॉलेस्ट नंबर 2356 बनेगा। सेम क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर बी, सेम प्रक्रिया सेम प्रोसेस इसमें भी लागू होगा। 3874 से लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, सेम प्रोसेस के साथ इसको सोल्व करेंगे। एक मैं आप लोगों को छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, यदि किसी भी संख्या में 0 ना हो और उस संख्या से हमें लार्जेस्ट माना हो या स्मॉलेस्ट माना हो तो वो कैसे बनाएंगे, एक ट्रिक की सहायता से। सबसे पहले जिसमें 0 ना हो, हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना हो तो पूरी संख्या को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। जब 0 ना हो तो, जैसे 5326 से हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है, इसमें 0 कहीं नहीं है, तो इस संख्या को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे 6532, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ और ये जो संख्या बना वो हमारा लार्जेस्ट नंबर हुआ। सेम उसी संख्या को यदि स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो उसी संख्या को एसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, एसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे और जो आंसर बनेगा वो होगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो 5326 को एसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आएगा 2356, ये हुआ स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि 2356 स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर बी चेक करेंगे, 3874 का लार्जेस्ट नंबर 8743 होगा, यानी कि 8743 होगा, और स्मॉलेस्ट नंबर 3478 यानी कि 3478 होगा। अब यदि अब क्वेश्चन नंबर सी को चेक करते हैं, इसमें मेरा क्वेश्चन है 2401, ये थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि इसमें 0 है, तो 0 है
तो पहले लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस, लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, तो सबसे चेक करेंगे लार्जेस्ट नंबर इसमें क्या है, तो 4 है, तो सबसे पहले 4 लिख देंगे, उसके बाद उससे छोटा यानी कि उससे छोटा नंबर 2 है तो 2 लिख देंगे, उसके बाद उससे छोटा 1 है तो 1 लिख देंगे, और जो लास्ट में सबसे छोटा 0 है तो 0 लिख देंगे। यानी कि इस तरह मेरा आंसर हुआ 4210, यानी कि 2401 से लार्जेस्ट नंबर 4210 हुआ, जो कि सेम प्रोसेस उसको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, लेकिन यही जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होगा इसको हम लोग एसेंडिंग में नहीं लिखेंगे, यदि 0 हो तो एसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, उसको एसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। अब क्या सावधानी बरतेंगे, चलिए देखते हैं, हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है किससे, 2401 का। अब चेक करेंगे एसेंडिंग में लिखने के लिए, यदि 0 होगा तो सबसे पहले चेक करेंगे एसेंडिंग में सबसे छोटा कौन है, तो 0 है, लेकिन 0 को नहीं लिखेंगे, उसके बाद छोटा कौन है ये चेक करेंगे, तो 0 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे पहले, अब 0 को लिख देंगे, और उसके बाद जो संख्या बचा उसको एसेंडिंग में राइट कर देंगे, तो उसके बाद क्या बच गया, 2 और 4, तो 2 और 4, यानी कि इस तरह से मेरा 2401 का स्मॉलेस्ट नंबर 1024 बनेगा। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2, मेरा क्वेश्चन है राइट द करेक्ट सिंबल इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यानी ग्रेटर लेस और इक्वल का चिन्ह देना है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन बराबर है, इसका चिन्ह देना है। अब देखते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर ए क्या है, 5931 4872, ये दोनों को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहाँ पर चिन्ह देंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं 5931 4872, ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो देखेंगे पहले दोनों 4 डिजिट का है। अब चेक करेंगे कि इसमें फर्स्ट लेटर 5 है, इसमें फर्स्ट लेटर 4 है, यानी कि ये 5000 है, ये 4000 है, यानी 5000 बड़ा हो गया, तो मुझे आगे नहीं चेक करना है, ये दोनों में पहला बड़ा है यानी कि इधर ये चिन्ह दे देंगे। दूसरा चेक करते हैं बी नंबर 2980 और ये 3700, दोनों 4 डिजिट का संख्या है। अब जब दोनों 4 डिजिट का संख्या है तो पहले फर्स्ट नंबर चेक करेंगे, इसमें 2 है इसमें 3 है, यानी कि फर्स्ट वाला में 2 है और सेकेंड वाला में 3 है, जो कि 3 बड़ा है 2 से, तो जो बड़ा होता है उधर इसको घुमा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3700 बड़ा है। सेम प्रोसेस सी नंबर में 1011 1013 में 1013 बड़ा है, 7848 4887 में 7848 बड़ा है। अब मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे एसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए, यानी कि बढ़ते क्रम, राइट द फ्लोइंग नंबर इन एसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ये जो संख्या दिया हुआ है इसको एसेंडिंग ऑर्डर यानी कि छोटा से बड़ा यानी कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है 3619 2013 6354 1898 735, इसको हम लोग एसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा चेक करेंगे, सारे क्वेश्चन में सबसे छोटा कौन है, तो यदि मैं देखा जाए ये 3000 है, ये 2000 है, ये 6000 है, ये 1000 है और ये 700 है, यानी कि सबसे छोटा क्या है 700, तो सबसे पहले लिख देंगे 735, यानी कि 735 को सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद चेक करेंगे कि ये चारों संख्या जो बच गया इसमें छोटा कौन है, इसमें यदि चेक करें 3000 2000 6000 1000, यानी कि 1000 छोटा है, उसके बाद 1898 लिख देंगे, 1898 लिख देंगे। इसके बाद चेक करेंगे, ये भी लिख दिए,
अब क्या बचा मेरे पास, थ्री संख्या। ये तीनों में कंपेयर करेंगे सबसे छोटा कौन है। ये तीनों में 3000, 2000, 6000 यानी कि 2000 छोटा है, तो लिख देंगे 2013। अब ये दो बचा, 3619, 6354 में दोनों में छोटा है 3619, इसको लिख दिए। और जो लास्ट में बचा 6354 उसको हम लोग लिख देंगे 6354। इस तरह से मेरा ये ए का आंसर हुआ 7735, 1898, 2013, 3619, 6354, ये मेरा एसेंडिंग ऑर्डर हुआ। सेम क्वेश्चन ये बी नंबर है, मैं आप लोग को इसको समझा रहा हूँ। 6297, 1387, 4091, 5683, 8120 को हमें एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसका आंसर क्या होगा, सेम प्रोसेस सेम तरीका से हल करेंगे। आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, 1387, 4091, 5683, 6297, 8120, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से आप लोग प्रयास कीजिए। आगे मैं आप लोग कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, जो आप लोग घर पर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग यूज ईच ऑफ द गिवन डिजिट ओनली वन टू फॉर्म द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। यानी कि प्रत्येक संख्या दिया हुआ है 3926, इससे आप लोग को स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा और लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा ये बनाना है। मेरा क्वेश्चन नंबर बी है 8015 से स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर बनाना है। क्वेश्चन नंबर सी है 8253, इससे भी स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर बनाना है। क्वेश्चन नंबर मेरा टू है, राइट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर लेस और इक्वल इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यानी कि बड़ा छोटा और बराबर का आप लोगों को चिन्ह देना है। मेरा क्वेश्चन है ए नंबर 2487, फिर बॉक्स 8742। क्वेश्चन नंबर बी है 2045, बॉक्स 2405। क्वेश्चन नंबर सी है 8110, बॉक्स 1810। क्वेश्चन नंबर सी डी है 2007, बॉक्स 7002। अब क्वेश्चन नंबर मेरा थ्री है, राइट द फ्लोइंग नंबर इन एसेंडिंग ऑर्डर। जो मैं क्वेश्चन दिया हूं उसको एसेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम यानी छोटा से बड़ा लिखना है। अब मेरा क्वेश्चन है ए नंबर 1413, 2948, 6742, 2541, 2100, इसको आप लोग को एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर बी नंबर है 6116, 9616, 3116, 2213, 9714। इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और कमेंट्स जो लिखिए अपने नाम क्लास के साथ लिखिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो को मैं आप लोगों को उस जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको मैं सोल्व कर सकूं। चला रहे हैं तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट, इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क, और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।